सब्सक्राइब कीजिए देख रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ ऑनलाइन डील्स एंड ऑफर्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट को। ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए ऑफर ऑफ वर्ल्ड और वहां पे जाके ज्वाइन में क्लिक कर दीजिए ताकि ऑनलाइन डील्स एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। धन्यवाद। आज हम लोग पास एमआई बैंड 3 है, इसको हम लोग आज अनबॉक्सिंग करेंगे और बताएंगे कि एमआई बैंड 3 कैसा है और आप लोग के लिए वैल्यू फॉर मनी होगा कि नहीं, क्या अच्छा है, क्या बुराई है, क्या फीचर है, आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब का हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आप देख रहे हैं देख रहे हैं। तो चलो 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 चालू करते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग पास है एमआई बैंड 3 और हम लोग पास न्यू ओएलईडी स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, ये पूरा टच स्क्रीन बनाया गया है। इसमें हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं, अप टू 20 डेज तक बैटरी लाइफ चल सकता है, आप लोगों को वाटर प्रूफ है अप टू 50 मीटर तक, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इतना अच्छा से आप लोग को यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ से ब्रांडिंग दिया है। हम इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे डिवाइस तो कैसा है। यहाँ पे आप लोग का एमआई बैंड 3 लिखा गया है और इस तरफ भी आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो पीछे की तरफ हम आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फिटनेस बैंड है और यहाँ पे बहुत कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमआरपी कितना है, 219 है, यानी कि 2200 रुपया, लेकिन आप लोग को यदि ऑनलाइन चेक कीजिएगा तो 2000 में आप लोगों को मिल जाता है। तो हम लोग चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इस डिवाइस को और हम लोग कितना में खरीदे हैं ये तो हम लोग बात करेंगे भी, तो दिखाएंगे हम लोग कितना में खरीदे हैं इसको। इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं और बाहर निकालते हैं यहाँ से, तो हम लोग कितना ज़्यादा डिस्काउंट में खरीदे हैं उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। चलिए हम लोग इसको बॉक्स को रखें, यहाँ पे देख सकते हैं आगे आप लोग को यहाँ पे बैंड हो, आप लोग को ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं, ये रहा आप लोग बैंड और हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर आप लोग को कुछ यूज़र मैनुअल दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र मैनुअल है। चलिए इसको हटाते हैं और इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक चार्जिंग केबल मिल जा रहा है, ये आप लोग का यूएसबी के पॉइंट है और यहाँ पे आप लोग को बैंड का जो आप लोग चार्जिंग पॉइंट हो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको खोल के दिखा देते हैं आप लोगों के सामने। तो ये आप लोग को इस तरह से ऐसे खोलना है, खोलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैप्सूल फॉर्मेट में आप लोग दिया गया है। डिज़ाइन तो जो है कैप्सूल डिज़ाइन है आप लोग का और इस डिज़ाइन में आप लोग को ये मिल जा रहा है बैंड। हो आप लोग यदि चार्ज करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा और पावर बैंक या आप लोग अपने एडाप्टर में लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके अंदर क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या फीचर हम लोग को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग पहला जो इंटरफेस मिलेगा कुछ इस टाइप का मिलेगा, यहाँ पे आप लोग टाइमिंग और आप लोग डेट वगैरह दिख रहा है और शेप कितना चले हैं वो भी दिख रहा है। और आप लोग यदि नीचे की जगह ये पूरा टच स्क्रीन है, यहाँ पे बैक और होम आने के लिए स्विच है, ये भी पूरा टच स्क्रीन है, यहाँ पे आप लोग क्लिक नहीं करना पड़ेगा, सारा टच स्क्रीन ही है। आप लोग यदि ऊपर टानेगा तो आप लोग यहाँ पे स्टेप दिखेगा, स्लाइड में यदि आप लोग करते हैं यहाँ पे स्लाइड तो आप लोग डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो दिखेगा और फिर यहाँ पे आप लोग स्लाइड किया तो आप लोग दिखेगा कैलोरी कितना बर्न किए हैं, फिर स्लाइड करते हैं तो फिर बैटरी कितना है। आप बैक करना तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, फिर नीचे जाइएगा तो आप लोग को देखिएगा हार्ट रेट, यहाँ पे आप लोग होल्ड करके आप लोग रखेगा तो देखिए हार्ट रेट चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट चलेगा, तो हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को, और ये चालू हो गया है और ये देख सकते हैं ग्रीन कलर का लाइट चलेगा। आप लोग हाथ में पहने रहेगा तो आप लोग का ये हार्ट बीट कितना चल रहा है वो आप लोगों को पता देगा, यानी कि हार्ट रेट मॉनिटर होगा। तो आप लोग ये होल्ड करके रखना पड़ेगा, आप लोग बैक करना चाहते हैं इसको सिर्फ क्लिक कीजिए और होल्ड कीजिएगा तब ये आप लोग का आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं और नीचे की तरफ यदि आप लोग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे वेदर दिखेगा, वेदर तभी दिखेगा आप लोग का जब आप लोग इसको फ़ोन से कनेक्ट कीजिएगा, फ़ोन से ही अपडेट होता है वेदर सब टुडे का दिखाएगा। और यदि आप लोग इस तरह स्लाइड करते हैं तो आप टुमारो फिर सैटरडे, यानी कि 3 दिन का आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और आप लोग नीचे चलेगा तो और आप लोगों को मिलेगा ट्रेडमिल मोड, यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट करना है तो इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा और आप लोगों को मिल जाएगा एक्सरसाइज मोड। तो ये दोनों ही यदि आप लोग स्टार्ट करना है तो यहाँ पे होल्ड करके रखिएगा, होल्ड करके जैसे रखते हैं तो आप लोगों को वो 3-2-1 काउंट के बाद वो मोड तो चालू हो जाता है। उसके बाद आप लोग जो भी एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा तो बताएगा कितना कैलोरी बर्न हुआ और कितना टाइम किए, ये सब आप लोग को दिखाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको यहाँ से होल्ड करके पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग हम लोग बैक करते हैं इसको, आप उसके बाद देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप लोग यदि कोई कॉल आता है या कोई मैसेज आता है तो आप लोग यहाँ से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो इसमें अच्छी बात क्या है, आप लोग को मैसेज जो आएगा वो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत दिख जाएगा और नंबर वगैरह दिख जाएगा, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मैसेज का जो है वो दिख जाता है आप लोग उसके बाद फ़ोन में जाके देख सकते हैं। यदि आप लोग कॉल कट करना होगा तो यहाँ पे होल्ड करके कॉल कट कर सकते हैं। तो मैं ये सब फीचर दिखाता हूँ, अब मैं ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ एमआई वाला जो है, उसके बाद मैं ये फीचर सब के बारे में और डिटेल्स में बात करता हूँ। तो ये देख सकते हैं एमआई का जो फिट वाला ऐप है वो आप लोग गूगल प्ले से डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग प्रोफाइल में जाइए,
उसके बाद माई डिवाइस में देख सकते हैं ऐड डिवाइस का है, यहाँ पे आप लोग ब्रांड सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ओके कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सर्च करना है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये फोन नहीं है, ये आप लोग एम बैंड ऑन कर लीजिए, यहाँ पे सर्च कर रहा है तो सर्च करने दीजिए इसको, और सर्च करके जैसे ही आ जाता है इसको कनेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो ये सर्च कर रहा है आप लोग का, जब आप फर्स्ट टाइम खोलेगा तो ये देख सकते हैं पेयर डिवाइस फर्स्ट लिखा गया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला जब आप लोग खरीदेगा तो इस टाइप का ही कुछ आएगा। तो यहाँ पे आप लोग सर्चिंग हो रहा है, सर्च जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पे आप लोग को टैप करने के लिए आएगा। तो मैं सर्च कम्प्लीट होने देता हूँ, थोड़ा टैप लिखा गया टैप द बटन, तो आप लोग इसको क्या करना है ऐसे करके यहाँ पे टैप कर देना है, ठीक है। तो आप लोग इसे टैप करके होल्ड करके रखना, देखिए पेयर सक्सेसफुल हो गया। तो ये देख सकते हैं पेयर्ड हो गया, तो देख सकते हैं आप लोग का बैंड का जो भी सेटिंग्स है वो आ जा रहा है यहाँ पे, और ये पेयर हो गया। तो आप लोग यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल भी दिया गया, स्वाइप अप कर सकते हैं इस टाइप से, आप लोग को यहाँ पे थोड़ा ट्यूटोरियल भी दे दिया गया है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग ये सब के बारे में बात करेंगे ही, तो हम लोग इसको बैक करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना परसेंटेज है, अनलॉक स्क्रीन ये सब आप लोग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से सब सेटिंग कर सकते हैं, इनकमिंग कॉल आप लोग को नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं तो यहाँ पे एक्सेस देना पड़ेगा इसको ऐप को, फिर जाके आप लोग ये कर पाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर देते हैं, तो इनकमिंग कॉल अलर्ट हम लोग ऑन कर देते हैं, गो टू सेटिंग, और उसके बाद हम लोग गो टू सेटिंग, और इसको आप लोग एक्सेस देना पड़ेगा तभी जाके यूज़ कर पाएगा। और यहाँ पे देखिए इनकमिंग कॉल को मैं ऑन कर दिया हूँ, तो देखते हैं हम लोग इनकमिंग कॉल आता है तो क्या नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉल आ रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोहित जी कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग कट हो गया, कॉल कट हो गया यहाँ से। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन कॉल कर रहा है। देखिए हम इनकमिंग कॉल तो ऑन कर दिए थे, अब हम लोग क्या करते हैं ऐप अलर्ट तो भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। गो टू सेटिंग में हम लोग जाके यहाँ पे गो टू सेटिंग में जाके हम लोग ऐप अलर्ट भी ऑन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या आप लोग इस बैंड से कर सकते हैं वो सब दिया गया, आप लोग अनलॉक कर सकते हैं, इनकमिंग कॉल का आप लोग नोटिफिकेशन मिल सकता है, इवेंट रिमाइंडर, अलार्म, ऐप अलर्ट, आइडल अलर्ट, फिर इनकमिंग एसएमएस, वाइब्रेशन आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, गोल नोटिफिकेशन, फिर डीएनडी। तो मैं फिलहाल के लिए इनकमिंग आप लोग को दिखा दिया हूँ, और ऐप एंड इनकमिंग एसएमएस को मैं दिखाऊंगा, और बाकी सब आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग ऑन कर सकते हैं। और लेट्स सपोज आप लोग सब ऑन कर दिए, आप लोग को नहीं चाहिए तो आप लोग डीएनडी स्टार्ट कर दिएगा तो बाकी सब फीचर जो भी था वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मैं एसएमएस दिखाता हूँ कैसे आता है हम लोग का इस बैंड के अंदर, तो मैं एक एसएमएस सेंड करता हूँ। तो देखिए हम लोग का ये आ गया है, हम लोग अपने फ़ोन से एसएमएस सेंड करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करके आएगा। तो मैं एसएमएस सेंड करता हूँ उधर से, देख सकते हैं यहाँ पे रोहित जियो लिख के हाई लिख के आया है एसएमएस, यहाँ पे हम लोग टाइमिंग भी दिखा रहा है किस टाइम में हम लोग का एसएमएस आया है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और आप लोग क्लियर करना है तो आप लोग ये होल्ड करके रखेगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा एसएमएस सेंड करते हैं ताकि हम लोग देख पाएं कि हाई में तो ठीक है, लेकिन बड़ा एसएमएस आने के बाद पूरा एसएमएस आएगा या कुछ पार्ट आके उसका डॉट 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 हो जाएगा, तो ये हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो मैं एक बड़ा टाइप का एसएमएस सेंड किया हूँ, देखता हूँ कैसे करके यहाँ पे आता है। तो हम लोग वेट करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा टाइप का जो एसएमएस है यहाँ पे आ गया है, ये पूरा एसएमएस आया है, बस दो तीन स्लाइड के अंदर आया है और पूरा नहीं आया है, तीन स्लाइड में सपोर्ट कर रहा है। तीन स्लाइड से ज़्यादा होने के बाद देखिए यहाँ पे डॉट 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 कर दिया है, यानी कि तीन स्लाइड तक यदि आप लोग का एसएमएस अट जाता है यानी कि कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग आ जाएगा, लेकिन उससे बड़ा रहता है तो फिर नहीं आएगा, तीन स्लाइड तक सपोर्ट करता है। यहाँ तक नोटिफिकेशन तक मैं बोल दिया था, यहाँ पे आप लोगों को कॉल वगैरह आता है तो वो पता चल जाएगा, और एसएमएस आएगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोग को आ जाता है यहाँ पे, देख सकते हैं स्टॉप वॉच, इसको आदि स्टार्ट करना तो इसे होल्ड करके रखेगा और स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये पॉज कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा पॉज हो जाएगा, फिर स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा, तो ये पॉज स्टार्ट कर सकते हैं, और कट करना तो आप ये होल्ड करके रखिए, कट हो गया। और आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन था, फिर स्टॉप वॉच था, फिर यहाँ पे आप लोग देखिए टाइमर है और स्टॉप वॉच है। उसके बाद नीचे जाइएगा तो आप लोग को बैक कीजिए पहले, फिर नीचे जाइए तो मोड में आ रहा है, मोड में आप लोग साइलेंट ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा फाइंड डिवाइस मिल रहा है, फिर आप लोग मिल रहा है स्क्रीन, स्क्रीन में आप लोग क्लिक कीजिएगा ऐसे करके होल्ड करके, तो आप लोग देखिए डिफरेंट टाइप का स्क्रीन मिल रहा है, तीन टाइप का। तो आप लोग जो आप लोग का क्लॉक टो है वो तीन तरीके में आप लोग चेंज कर सकते हैं, तीन ठो आप लोग स्क्रीन मिल जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग इस साइड स्लाइड कीजिएगा तो आप लोग बैक कर देता हूँ, उसके बाद स्क्रीन, स्क्रीन के बाद आप लोग का आ जाता है फैक्ट्री रीसेट, ये आप लोग को तब जरूरत पड़ेगा यदि आप लोग को कोई नया फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है तो आप लोग को फैक्ट्री रीसेट करना पड़ जाएगा। अबाउट में है ये, मैं फैक्ट्री रीसेट मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। आप लोग बस होल्ड करना है और यहाँ पे होल्ड कीजिएगा तो आप लोग का ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो आप लोग होल्ड करके फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं ऐसे करके, और इसको करने से क्या होगा कि आप लोग एक नए फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप लोग प्रीवियस फ़ोन के साथ आप लोग डिसकनेक्ट करना है तो आप लोग फिर फैक्ट्री रीसेट करके या फिर नया फ़ोन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप लोग फैक्ट्री रीसेट नहीं करते तो नया फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं होगा।
यहाँ देखिए आप फिर से आ गया, पेयर डिवाइस फर्स्ट दिखा रहा है। तो इस टाइप का आप लोग का ये MI Band 3 मिल जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग MI Band 3 का जो भी मैं अनबॉक्सिंग दिखाया है वो पसंद आ गया होगा। देखिए आप लोग को क्या है MI Band 3 में आप लोगों को सबसे अच्छा फीचर क्या मिल जा रहा है, आप लोग कंपेयर करता हूँ MI Band 2 के साथ। तो आप लोग बिगर स्क्रीन मिल रहा है वो भी टच स्क्रीन वाला, और आप लोग को नोटिफिकेशन वहाँ पर खाली मिल जाता है, यहाँ पर आप लोग कॉल रिजेक्ट भी कर सकते हैं और SMS पढ़ भी सकते हैं आप लोग 3 स्लाइड तक। बहुत बड़ा मैसेज आ गया तो नहीं पढ़ पाएगा, छोटा मोटा मैसेज आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छा है, और आप लोग का इसका डिज़ाइन भी थोड़ा अलग बनाया है, देखिएगा साइड में थोड़ा कट करके डीप बनाया गया है ताकि आप लोगों को बेल्ट के अंदर पूरा फिक्स रहे और गिरे नहीं। तो ये पहले 2 में प्रॉब्लम होता था कि जल्दी खुल जाता था, लेकिन इसमें फिक्स टाइप का आप लोग साइड में जो बॉर्डर दिया गया वो दे दिया गया है ताकि आप लोग वहाँ पे परफेक्टली फिट रहे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल मुझे 2000 के लिए ये बैंड तो काफ़ी पसंद आया, ख़राब नहीं है, MI की तरफ से है तो आप लोग ले भी सकते हैं। यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मेरे तरफ से बिग थम्स अप है, MI Band 3 अच्छा है, ओवरऑल सब तरफ से ही मेरे को अच्छा लगा, और बैटरी बैकअप भी अच्छा ही दे देता है, 14 से 15 दिन दे देता है। तो आप लोग यदि लेना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग इसको कितना सस्ता में खरीदे हैं, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ दिख रहा होगा MI Band 3 एट ₹1469, और हम लोग फ्लिपकार्ट का मेंबर इस वैल्यू होता है ₹100, तो हो गया 1369 इफेक्टिव प्राइस। तो ये कैसे आया, तो ये आया था फ्लिपकार्ट में एक दिन ऑफर जिसमें मैं आप लोग को फॉरवर्ड भी किया था, तो वहाँ पे आप लोग दिख जाएगा तो देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट लिंक भी दिया गया, उस पर आप लोग क्लिक करते तो ऑफर मिल जाएगा आप लोग को, जो हम लोग टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था, जहाँ पे किसी अकाउंट में 1469 दिखा रहा था और किसी अकाउंट में 1519 रुपीज़, और प्लस मेंबर होते तो कॉइन भी मिल जाता। आप लोग देख सकते हैं उसी दिन ही अमेजोन में दाम था लेकिन फ्लिपकार्ट अच्छा डिस्काउंट चला था, तो हम लोग वहाँ से खरीद लिया और हम लोग को प्लस 5 कॉइन भी मिल गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यदि अभी तक आप लोग टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट में नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को भी ऐसा इंटरेस्टिंग डील सब मिलता रहेगा ताकि आप लोग भी ह्यूज प्रॉफिट एंड सेविंग कर सकते हैं। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जाके टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करते हैं ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं। आई बटन में देखिएगा काफी सारा इसी टाइप के बैंड का अनबॉक्सिंग बना चुका हूँ पहले भी और कंपैरिजन भी बनाया हूँ, दोस्तों देखना चाहते हैं तो आप लोग आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो लिखते हैं काफी, बाय टाटा, हमेशा याद रखिएगा देख रिव्यू बिफोर यू बाय, तब तक के लिए गुड बाय।